एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेकर नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानबूझ के लैपटॉप दिखा रही हूँ क्योंकि ये हो गया ख़राब और अभी मैं इसको जा रही हूँ ठीक कराने, लैपटॉप ठीक कराने जा रही हूँ मैं। ठीक है, घर वालों को तो बता के जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिना घर वालों को बताए आग नहीं तोड़ देंगी। तो यहाँ पास में जाना है मुझे, कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे। तो इसके मतलब ये चार्जिंग शो नहीं हो रहा है इसमें, तो मे भी शायद कुछ चार्जर में डिफ़ॉल्ट हो या फिर बैटरी में। तो मुझे एक बार टेम्परेरी ऑन करवाना है क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है, वो खाली कर लूँगी फिर ठीक करने के लिए दूँगी, क्योंकि फिर ऐसे दे दिया तो सही नहीं है ना, सेफ नहीं है। आज देखो फिर भीड़ होने स्टार्ट हो गई क्योंकि बैंक आज ओपन है, इस वजह से भीड़ तो मिलेगी मिलेगी। यहाँ क्या भंडारा भंडारा हो रहा है, कुछ वाईफाई बता दें। मैंने दिखा दिया सेंटर में जहाँ पे ये ठीक होना था, लेकिन वो भैया मिले नहीं और चार्जिंग लगी नहीं उसके भी, लैब दूसरे चार्जर बदल के देख रहे। अब दूसरी शॉप पे जाती हूँ। बैग पैक कर लिया मैंने, ये देखो, और अब चली मैं स्कूटी पे, क्योंकि मैं जिस शॉप पे अब जाऊँगी ना, ये तो बिल्कुल पास में थी तो मैं होके आ गई। अब मैं जिस शॉप पे जाऊँगी वो थोड़ी सी आगे है, पैदल जा सकते हैं लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना पैदल में जब स्कूटी घर पे खड़ी है। स्कूटी की एक गड़बड़ा है, देखो कितनी धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, अभी इसको साफ करना पड़ेगा। पहले मैं पहुंच गई दूसरी वाली शॉप पे, अब ये लैपटॉप दिया भी देखना है, भैया देखते हैं क्या होता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। मामी ने यहाँ पर निकाला है, मामा ने निकाला, मामी ने, मामी बोला है मैंने, मामी ने निकाला है। एक और है ना मामी, ये एक ना एक बेच दिया, बेच दिया एक, छोटी हो जाए एक बेच दिया, और एक ये रहा, और एक लैपटॉप ये रहा, और एक खराब हो गया जो मामी देख रही है, एक टैब और है जो बेड में रखा हुआ है, और एक मेरा खराब हुआ पड़ा है। भाई साहब इतनी सारी चीजें हैं, आप अगर ठीक करा दो तो फिर कितनी हो जाए, एक इंसान के पास दो दो आ जाए सारी। अरे इसका पावर लगाने का कहाँ है यार, ये तो वो है, ये भी नहीं है, यही है क्या इसमें। मामी को इतने साल हो गए, मामी यही नहीं जानती, लगेगा कहाँ पे। इसमें लगता है क्या, ये मेरे को लगा ये लैपटॉप में लगता है, इसका तो दूसरा नहीं होता। क्या बना देता है, एप्पल लड़कियां नहीं बना पाती, एप्पल एप्पल ये बना देती है। ये देखो दादी को बकाने लग रहा है, तेरी लड़की अच्छी नहीं लगती। नहीं तो क्यों, सारी उम्र खुद की लड़की अच्छी नहीं लगती, तेरी दादी भी तो लड़की है। दादी को दादी अच्छी लगती है, दादी अच्छी लगती है। छठ पूजा की तैयारी हो गई यहाँ पे, ये सब्जी आलू प्याज ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ रखी है, कितनी सुंदर सब्जी लेके जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले आलू लिए हैं फिर प्याज, पूजा की तैयारी के लिए सब जगह सामान ही सामान रखा है, और ये गन्ने बड़े बड़े गन्ने, वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो छठ पूजा के लिए इतना कुछ, कच्ची आम में ढूंढते ढूंढते वहाँ तक घुमाई, यू गोलू को और दीदी को आगे छोड़ के आई हूँ, लेकिन पूरे मार्केट में कच्चा आम ही नहीं मिला। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा भीड़। दीदी यहाँ खड़ी है क्योंकि तो सामान यहाँ ले चुके हैं, लेकिन आम ही नहीं मिली। इसको घर जाके खोलेंगे, घर जाके ये तू ले सकता है। खरीद लिया गिफ्ट, उठाते हैं सब्जी, चलते हैं घर, चलो ना मैं लिया चलूंगी, चलो चलो। माया हो गया अंधेरा, मम्मी यही बाहर बैठी है, नहीं आई है कुछ का, वहाँ खड़ी है स्कूटी में, खड़ी रहा मामी अंदर में चले जाएंगे। ठोक दो मामी, किसी में तो ठोक दो, ये अंकल देख रहा ठोक दिया गया। अब
लेके आए हैं गोलू, ये गोलू के लिए यहाँ पे गोलू युग को युग के पजामा आया है जो कि आ चुका है। यहाँ पे गोलू के लिए ड्रेस आई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत ही अच्छी, हाँ अच्छा कलर है। क्या कलर थीम में लाए हो क्या? कलर थीम पर्पल ग्राम कलर, पर्पल और पैंट से बड़ी बात तो बिना है बिना। और गोलू एक ये भी लेके आया, दादी को दिखा खिलौना अपना। तो दिखा क्या था? दिखा दिया पहले गोलू ने, पहले ही खिलौना दिखा दिया। वाओ कितना अच्छा है, ये तो एक्सरसाइज भी करता है, स्ट्रेचिंग भी करता है। वाओ कट करके वो कर ले बड़ी है ना, नहीं है बड़ी घूमने का।